हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल द फोकस विद विनर पर स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, आरआरबी एएलपी एंड ग्रुप डी ज्वाइनिंग, दोनों भर्ती खतरे में सभी जून का। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अगर आप लोग अभी से कुछ कोशिश नहीं किए तो फिर प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। और इसका रीज़न क्या है? ऑफिस मेमोरेंडम 2005। इसके बारे में कुछ लोग तो जानते होंगे, कुछ लोग बिल्कुल नहीं जानते होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे क्या करना चाहिए सब कुछ मैं आपको बताऊँगा, क्या करना है और क्यों मैं ऐसा हेडिंग डाला हूँ, क्यों ये थंबनेल बनाया हूँ, कि क्यों सभी भर्ती खतरे में है, दोनों भर्ती खतरे में सभी जोन की। वो भी तो इसका रीज़न बहुत बड़ा है फ्रेंड। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि आरआरबी गुवाहाटी पे केस हुआ है एस सी एस टी एसोसिएशन के द्वारा, और उस केस का बेस यही ऑफिस मेमोरेंडम 2005 ही है। और इसका मतलब है कि ये जो मेमोरेंडम है आपका, ये सारे जोन से रिलेटेड है और ग्रुप सी ग्रुप डी दोनों भर्ती से रिलेटेड है, ना ही केवल गुवाहाटी से है, ना ही केवल ग्रुप डी से है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो ऑल इंडिया में जितने बोर्ड से 16 सभी में प्रॉब्लम होगा, केवल एक में नहीं होगा। इसलिए आप सभी को एकजुट होना होगा और गुवाहाटी वालों का हेल्प करना होगा, नहीं तो फिर अगर किसी एक का नुकसान होता है तो सभी का नुकसान होगा फ्रेंड्स। तो इसलिए आप लोग, अभी मौका है, सब लोग एकजुट हो जाइए और आप लोग इसके लिए आगे कुछ ना कुछ करिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं बताऊँगा आपको एकजुट होकर क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं अपनी वीडियो चलता हूं, लेकिन इससे पहले कहना चाह रहा हूं कि आप लोग जो भी हैं, पहली बार हमारे चैनल में विजिट कर रहे हैं, एक बार इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि सब तक ये बात पहुँच सके, एएलपी वालों के पास, ग्रुप डी वालों के पास, या किसी भी जोन के हों, क्योंकि सबके लिए प्रॉब्लम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आते हैं वीडियो, अब दिखाते हैं आपका मतलब मेन मैटर क्या है ये। और बहुत से लोगों को अगर केस के बारे में नहीं आइडिया होगा तो हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं फ्रेंड्स। वो देखिए क्या है, देखिए क्या है, नंबर 36017-1-2004 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, न्यू दिल्ली, डेटेड 5 जुलाई 2005, ऑफिस मेमोरेंडम, सब्जेक्ट रिविजन ऑफ क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू ग्रुप सी एंड ग्रुप डी पोस्ट नॉर्मली अट्रैक्टिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम ए लोकेलिटी और रीजन। यहाँ साफ साफ कह रहा है कि ऐसा इसमें रिविज़न किया जाए कि लोकेलिटी वालों को ही रिजर्वेशन दिया जाए, ठीक है, या रीजन वालों को ही। यानी जैसे कि बात करूँ आरसी गुवाहाटी का, जहाँ पर केस हुआ है, तो उसके एरिया में जितने लोग का लोकेशन है, घर है, प्रॉपर निवासी हैं, उन्हीं लोग को रिजर्वेशन मिले और बाहरियों को यूआर की तरफ ट्रीट किया जाए। ऐसे ही अदर बोर्ड को भी ले सकते हैं। जैसे इलाहाबाद हम ले लें, इलाहाबाद का एरिया जितना पड़ेगा उसके अंडर में अगर आपका मकान है, आप रहते हैं, तो ही आपको रिजर्वेशन मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा, अगर ये केस जीत जाते हैं तो। जबकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, फिर भी आप लोग एकजुट होना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। अगर ये केस जीत गया तो फिर सारी वैकेंसी खतरे में आ जाएगी फ्रेंड्स, चाहे एएलपी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे किसी भी जोन का हो। आपको भले अभी झूठ लग रहा होगा, लेकिन जो है वो सच्चाई है ये। अब आगे पढ़ते हैं क्या है इसमें। द अंडरसाइंड इज़ डायरेक्टेड टू से दैट रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू ग्रुप सी एंड डी पोस्ट नॉर्मली अट्रैक्टिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम अ लोकेलिटी और रीजन विच इज़ जनरली फिक्स्ड इन प्रपोर्शन टू द पॉपुलेशन ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द रिस्पेक्टिव स्टेट्स यूटीज वॉज लास्ट फिक्स्ड इन 1985 ऑन द बेसिस ऑफ द 1981 सेंसेस। रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस इन सच केसेज वॉज फिक्सड इन 1993 कीपिंग इन व्यू द प्रपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन इन द रिस्पेक्टिव स्टेट्स यूटीज सब्जेक्ट टू अ सेलिंग ऑफ 27% वाइल ऑल्सो इंश्योरिंग दैट द टोटलाइजेशन फॉर एस सीज एस टीज एंड ओ बी सीज डिड नॉट एग्जिस्ट द लिमिट ऑफ 50% इन एनी केस। इट हैज़ नाउ बीन डिसाइडेड टू रिवाइज द क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन फॉर एस सी एस टीज एंड ओ बी सीज इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू ग्रुप सी एंड डी पोस्ट नॉर्मली अट्रैक्टिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम अ लोकेलिटी और अ रीजन कीपिंग इन व्यू द फिगर्स ऑफ द 2001 सेंसस एज गिवन इन द एनेक्सर टू दिस ओएम यानी ऑफिस मेमोरेंडम। दिस ऑर्डर्स विल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस ओएम। हाउएवर द केसेज where requisitions for filling up the post have already been sent to the recruiting agencies or post have already been advertised in accordance with the percentages of reservation existing prior to issue of this OM need not to be reopened। यानी इस लाइन का मतलब, बहुत ऊपर जान के भाई कह रहा है कि मतलब बाहरी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि किस पे इफेक्ट नहीं करेगा। मान लीजिए जहाँ पे पोस्ट अलॉट हो चुके हैं, ठीक है, इसके पहले,
ठीक है, कह रहा है ना दिस ऑर्डर्स विल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस ओएम, के बाद से ही ये मतलब इफेक्ट करेगा। हाउ एवर द केसेस वेयर रिक्विजिशंस फॉर फिलिंग अप द पोस्ट हैव ऑलरेडी बीन सेंड टू द रिक्रूटिंग एजेंसीज और पोस्ट हैव ऑलरेडी बीन एडवर्टाइज इन अकॉर्डेंस विद द परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन एग्जिस्टिंग प्रायर टू इशू ऑफ दिस ओएम, तो ये पहले के मतलब रूल के अकॉर्डिंग अगर हो चुका है ओएम के पहले का तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जब से ओएम आए उसके बाद अगर कुछ होता है तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट कंटेंट्स ऑफ दिस ओएम मे बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ ऑल कंसर्न डिप्टी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स टू द गवर्नमेंट ऑफ, किसे किसे सेंड किया गया ये है, देखिए परसेंटेज दिया गया है कहाँ कितना परसेंटेज रिजर्वेशन होना चाहिए सारे स्टेट का। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, अगर ये इस बेस पे जब केस किया गया गुवाहाटी बोर्ड पे, तो ये गुवाहाटी बोर्ड वाले को नुकसान नहीं होगा, केवल ग्रुप डी पे नहीं सी पे भी असर पड़ेगा इसका, भले किसी भी स्टेज पर पहुंच गया हो। अगर ये केस जीत जाते हैं करने वाले तो फिर आल जोन की वैकेंसी कैंसिल भी हो सकती है या लेट बेसर कुछ भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स सभी को एग्जिट होना, एग्जिट हो क्या करना है आप लोग को, आप लोग को गुवाहाटी के आरआरसी चेयरमैन को कॉल करके पूरा मैटर बताना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेमोरेंडम में साफ सफाई का सभी के लिए, और ये पॉसिबल भी नहीं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। और इसके साथ साथ आप लोग को रविश कुमार NDTV को व्हाट्सएप पे सारी जानकारी देनी होगी और उनसे अपील करनी होगी टीवी पे न्यूज़ में दिखाएं, ताकि कुछ हेल्प हो सके आप लोग का फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमें यही इन्फॉर्मेशन देना था, थैंक यू।